वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीता शमशा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर ये मार्केट है और ये खाली हो रही है, क्लोज़ हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर हर चीज़ पर 70% ऑफ है। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। आज बंद हो रही है, खाली हो रही है, तो यहाँ पे वो उन्होंने 70% डिस्काउंट लगाया है हर चीज पे। तो हम आज यहाँ पे आए हैं यही देखने के लिए कि मुझे भी कुछ मिल जाए यहाँ से। देखते हैं, ये देखिए लोग उठा के लेके जा रहे हैं चीजें। अब हमें तो ये चीज़ें चाहिए नहीं, जो भी चीज़ चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से कोई शायद यहाँ पे जो हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मुझे ये चीज़ चाहिए। दिल कर रहा कैसे उठा के ले जाए ये चीज़ें। कुछ प्राइस अभी भी ज़्यादा है, महंगी हैं कुछ, और कुछ पे वाकई उन्होंने 20 की 30 की ऐसे लगाई हुई है। तो अभी यहाँ पे ऊपर चल के हम देखते हैं कि ऊपर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे ऊपर हैं किचन वगैरह हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं, जिनको तो चाहिए तो वो आके फ़ौरन से उठा के ले जाएं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मुझे डाइनिंग टेबल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के देखते हैं और क्या है। वैसे तो आज तक मैंने इस मार्केट से कोई चीज़ नहीं ली, कोई फर्नीचर नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई मैंने आज तक इस मार्केट से चीज़ नहीं ली इस ब्रांड की। तो अभी मैं ले लेते हैं हम और देखते हैं कि कैसा ब्रांड है ये। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं क्योंकि नीचे वाला एरिया तो तकरीबन ही खाली हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी भी चीज़ें हैं। तो उस दूसरी साइड पे बेड वगैरह लगे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। मुझे तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे 70% लगा हुआ है, तो आप आके 70% ऑफ लगा हुआ है तो आके आप ले लें। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है वो ये वाली है, ये कितनी प्यारी बनी हुई है। इसकी प्राइस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने इतनी चीज़ें ले ली हैं, इतनी सस्ती ये चीज़ें मुझे मिली हैं। ये बहुत ही अच्छा कटर बोर्ड है, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़बूत। और ये इसके नीचे ये लगा हुआ, ये फिक्स हो जाता है और स्लिप नहीं करता। ये भी मैंने ले लिया। डेकोरेशन कुछ लिए हैं ये किचन के लिए, ये बास्केट वगैरह लिए हैं मैंने, ख़राब तो नहीं है। और हमारा तंग पड़ रहा है, अभी लाइट्स वगैरह वहाँ से लेनी है। देखिए सब कुछ खाली हो गया है यहाँ पे। और अगर आप लोग कोई यहाँ जर्मनी से मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पे आएँ आप और यहाँ से जो बाकी चीज़ें हैं लें, क्योंकि ये शॉप क्लोज कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ सेल करना है सब कुछ। तो आपने खुद ही यहाँ से उठा के लेके जाना है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आएँ यहाँ पर और यहाँ पर देखिए जी, जो चीज़ें हम साथ लेके आ सकते थे वो साथ लेके आए हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम फ्राइडे को लेके आएंगे। ये वाला कटर बोर्ड मैंने लिया है, ये आखिरी पीस था, इस पर ये भी लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा। इसको पहले मैं थोड़ा वॉश करूँगी कि हर कोई फिर गुजारा हाथ लगाता, क्योंकि ये आखिरी पीस था, थोड़ा सा गंदा भी लग रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंद है आया है। ये यहाँ पे है जी बिरयानी, और ये मैंने बनाई थी कल। और
और साथ कोक जीरो क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ। ये मजाक है। और अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी फालूदा। मैंने दो तरह की जेली ली है, एक ग्रीन वाली है, ब्लैक नहीं है। कल बना के रखती थी मैंने, और ये रेड वाली। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये लिए हैं कप्स, डेजर्ट कप, फलूदा कप, और यहाँ पे मैंने बनाना एंड कीवी को काट के फ्रीजर में रख दिया था। ये देखिए, ये फ्रीज हो गए। और अब इसके साथ ही मैंने यहाँ जो फ्रूट है मेरे पास, मैंने ये भी फ्रीजर में रख दिया था ताकि सही ठंडा हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फलूदा। अब इसमें डालेंगे जेली, मिक्स कलर, दोनों कलर के। मैं इसमें डालूंगी ये वाला फ्रूट फाइटर बेरी, ब्लूबेरी शायद इसको कहते हैं इंग्लिश में। सबसे ऊपर हम आइसक्रीम डालेंगे। मैंने वनीला वाली ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम डाल देंगे। तो सबसे ऊपर हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे ऐसे करके। और लास्ट में मैं थोड़े से नट्स इसके ऊपर डाल दूंगी, जस्ट दो तीन। तो यहाँ पे देखिए जी, फलूदा भी तैयार हो गया है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, कितना यम्मी लग रहा है। खाने के बाद हम यहाँ पे फलूदा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें इस मौसम में ऐसी ठंडी चीज़ खाने का अपना ही मज़ा होता है। और जो फर्नीचर की चीज़ें थी वो तो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो आएंगी, क्योंकि उनको हमने खुद पिक करना है और जब मेरे हस्बैंड के पास टाइम होगा तो वो लेके आएंगे। और बाकी जो है मैं सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनको मैं सेट करके कैसे रखती हूँ। बस जी, यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस मौसम के साथ और इन मेरे व्लॉग को भी इंजॉय किया होगा। तो रखिएगा अपना ख्याल और साथ ही मेरे चैनल का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।